जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चाहूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फिलहाल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। काफी सारे जोन में फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर हम यहाँ पर भी कई सारे जगह पर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, इतना परसेंट है लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं पर नहीं हो रहा है। तो आपके इसी सवालों का जवाब इस वीडियो में देखें कि फिलहाल जो है कई सारे ऐसे जोन है जहां पर अप्रेंटिसशिप के मेरिट लिस्ट है और उसका कट ऑफ क्या रहा, उसी पे चर्चा करें। कितना परसेंट पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जा रहा है और आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, कितना परसेंट तक हो पाया उसकी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आप तैयारी करते रहिए, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जैसे 3 वैकेंसी है जो आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए, अपना तैयारी में लगे रहिए। फॉर्म जो आता है फॉर्म को अप्लाई करेगा, लेकिन अपना जो वैकेंसीज है जो एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का है उसका तैयारी जारी रखिएगा। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर हम कई सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल्स प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर एक कट ऑफ देखने वाले हैं, रेलवे अप्रेंटिसशिप का है, WCR जबलपुर का फाइनल कट ऑफ है। देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा, कई सारे ट्रेड्स हैं यहाँ पर, 19 ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके कट ऑफ दिए हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ये इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, ये जो है देखिए 86 एवरेज कट ऑफ है, 86.35 तक पहला मेरिट लिस्ट निकला है जिसका कट ऑफ गया हुआ है। मैट्रिक और आईटीआई का एवरेज मार्क्स निकाल करके 86 अगर आता है तो आपका इस तरह से आपका हो जाता है, और 86 कई सारे जोन है जहाँ पर 86 85 86 पर हुए भी हैं, ठीक है। वहीं पर ओबीसी का देखिएगा तो यहाँ पे 85.42 पर हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 83.54 पर एससी में हुआ है, और वहीं 81.04 जो है एसटी में भी हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखिए तो 82.92 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। वहीं आपको बता दें एससीसीआर रायपुर में तो ईडब्ल्यूएस का मेरिट लिस्ट नहीं आया, सभी को बुलाया गया, ठीक है। और भी कई सारे जगह है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर 82-83 से कम गया है, 80 तक भी ईडब्ल्यूएस का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कट ऑफ अगर आपके इतना एवरेज मार्क्स अगर आपका है तो कई ऐसे जोन है जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहले तो आप अपना एवरेज परसेंटेज नीचे कमेंट करिएगा, ट्रेड कमेंट करिएगा और कैटेगरी कमेंट करिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका होता तो जरूर WCR में तो हो जाता है या ECCR में हो जाता है, वेस्टर्न रेलवे में हो जाता है, इतना तक वेस्टर्न में भी कट ऑफ किया हुआ है, सेंट्रल रेलवे में भी हो जाता है, इस तरह के कई सारे जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फीटर का देखिए तो 81.53 तक गया हुआ है जनरल में। वहीं EWS में देखिए 75 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए EWS के बारे में बता दें दोस्तों, जो भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं और आप चाहते हैं ये रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होना तो एक EWS बनवा लीजिएगा, और एप्लीकेबल हैं तो EWS में काफी कम जाता है। OBC देखिए SC क्या यहाँ पर 78.83 है जबकि EWS का 75 है, OBC का 80.54 पर कट ऑफ गया हुआ है जबकि EWS का 75 कितना कम गया हुआ है। वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 83.5 तक गया हुआ है, 83 तक गया हुआ है, 81.32 तक गया हुआ है। ये OBC का है, ये SC का 74.33, ST का है 80.5 गया है, EWS का देखिए OBC SC से भी कम है। वहीं आगे कई सारे ट्रेड्स हैं जैसे मशीनिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करना है तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो हमने कई ऐसे जोन है जिसके कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ के सेक्शन में दे रखे हैं, तो आप कट ऑफ के सेक्शन में जाइएगा और यहाँ से आप जो है लगभग कई सारे जोन है जिसके कट ऑफ यहाँ पर दिए गए आप जा करके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वेल्डर का 80 तक गया हुआ है जबकि EWS 76 गया है, टर्नर का देखिए 85.4 गया हुआ है जबकि 84 तक गया हुआ है EWS का, वायरमैन की 81 है, 70 तक गया है EWS, इतना तक अगर होता तो आपका भी सिलेक्शन हो जाता। स्टेनो हिंदी है 86 गया हुआ है, स्टेनो इंग्लिश है 86 गया है, तो कट ऑफ देखिए फिलहाल की जो स्थिति है कट ऑफ बढ़ रहा है। अभी भी काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं, भर्ती आ जाती है तो उसके बाद देखा जाएगा कि भर्ती कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आगे रेलवे अप्रेंटिसशिप देखा है कि मान लीजिए वैकेंसी कैसी रह रही है, रेलवे अप्रेंटिसशिप को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है,
उसके अकॉर्डिंग भी आपको कट ऑफ आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल देख लीजिए ये आपका यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। कोपा के जो कैंडिडेट्स हैं देखिए 85 तक गया हुआ है, कोपा का भी कोई कम नहीं है, 85, 84, 81, 80 में 79 जो है एस टी में, 78 तो जो है ई डब्ल्यू एस में गया हुआ है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू सी आर जबलपुर का कट ऑफ है। अगर आप अदर जोन का भी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अनिल सर आई टी वेबसाइट पर सभी कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है, मान लीजिए एन ई आर का कट ऑफ देखना है, एन ई आर कट ऑफ सर्च करेगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लगभग सभी कट ऑफ भी अपलोड किए हुए हैं, इस पर जाइएगा, यहाँ पे कट ऑफ दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, जाइए और चेकआउट कर लीजिए। अभी देखिए मेन है कि अभी एलपी का एग्जाम भी आपको जून में तो अब होने की संभावना कुछ कम लग रही है, क्योंकि अभी अब स्टेटस तक नहीं दिया, पैनल तक जारी नहीं हुआ। अब पैनल वाइज एग्जाम हो, किस पैनल में किसका एग्जाम होगा, फेज वाइज एग्जाम होगा तो किस फेज में होगा, शेड्यूल जारी करना होता है, 2 महीना पहले ये काम होता है। तो अभी देखिए जून में कहा गया था तो जून में तो होगा नहीं, जुलाई तक देखते हैं एग्जाम हो, तो अभी समय मिल रहा है 1-2 महीना, तो एलपी का भी तैयारी करिए। हमने एलपी का प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ है, CBT 1, CBT 2 का किताबें भी दी हुई हैं, जाकर के ज्वाइन करके चेकआउट कर लीजिए। रेगुलर टेस्ट लाइव चल रहा है, 50 टेस्ट होने वाले हैं, जाइए तो तैयारी करिए। ठीक है, और अपने टेक्नीशियन में अभी टाइम है, एग्जाम में टेक्नीशियन की तैयारी करिए। ग्रुप डी का जो है अक्टूबर तक भर्ती आएगी, अक्टूबर या नवंबर भी हो सकता है, पहले तो चुनाव का रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखा जाएगा उसके बाद की भर्तियों का क्या हाल चल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी राय नीचे कमेंट कर बताइएगा कि आपका एवरेज परसेंटेज क्या है, आपको क्या करना है, आपको आगे अप्रेंटिसशिप करना है या जॉब की तैयारी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।